पाकिस्तानी सहाफियों और क्रिकेट फैंस को वीजे जारी ना हो सारी ना हो सके। भारतीय हाई कमीशन वीजा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा। दुनिया भर का मीडिया वर्ल्ड कप कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। पाकिस्तानी सहाफियों को भारतीय हुकूमत ने क्लियरेंस ना दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच खेलने जा रही है, लेकिन अभी तक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के सहाफियों को वीजे जारी नहीं किए हैं। ये प्रॉब्लम होती है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उनको वीजे दिलवा दूँ, मोदी साहब का अपना एक एजेंडा चल रहा है। देखिए, हमने पाकिस्तानी आवाम को भी नहीं अपनी सरजमीन पे कदम रखने दिया, हमने पाकिस्तान के मीडिया को भी नहीं आने दिया, तो पाकिस्तान टीम को भी नहीं बुलाते, उसके बगैर खेल लेते आप वर्ल्ड कप, पता चल जाता आपको। आज कि भारत हमेशा खेल में सियासत को लेकर आ जाता है। अभी जो ये वीजों का मामला है कि जो सहाफी है उन्हें वीजे नहीं दिए जा रहे हैं, अभी तक रीजन होने की वजह से जो booking.com और दूसरी वेबसाइट है उन पर जो बुकिंग हुई है वो भी सारी लैप्स कर गई है, तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस के लिए इंडिया की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। इतना बड़ा टूर्नामेंट ये होस्ट कर रहे हैं, इतना ढोकला, इतना जो है वो सब भरा रवैया भारतीय हुकूमत का, इस पे क्या कहेंगे? क्या आपको चीजों को इजी करनी है फैंस के लिए? उन्होंने टिकट्स लिए हुए हैं, होटल बुक कराई हुई है, फ्लाइट सब कुछ इतना महंगा हो जाता है एक इवेंट से पहले, और वो सब उनको बदलनी पड़ती है, उनको परेशानी हो रही है, वो मैच देखने नहीं जा सकते। और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजा अभी तक नहीं मिले। वीजाज क्या नहीं मिले, वीजाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सके और वीजा प्रोसेस हो। इंडिया को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और वीजे और टाइम पे देने चाहिए। उसकी वजह ये कि जब फैंस नहीं आएंगे इतने बड़े इवेंट में दुनिया भर से, तो फिर मजा क्रिकरा हो जाता है। इंडिया वालों घबराओ नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह हम आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हम आईसीसी वाले भी इसके नोटिस लेंगे कि क्या हमारा वीजा आपने लेट क्यों। बड़ी एक एम्बैरेस सिचुएशन है कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक फैंस और जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजे नहीं दिए गए। हालांकि जर्नलिस्टों को पहले मैच से पहले दो दिन पहले कम से कम जो आखिरी प्रैक्टिस सेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए पहुंचना जरूरी होता है और वो पहुंचना चाहिए क्योंकि आईसीसी ने एग्रीडेशन दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो देखें ये इस चीज को फोकस करेंगे, इन्होंने हमारे प्लेयर्स को कितनी मुश्किल से वीजे दिए, 29 पासपोर्टों के ऊपर उन्होंने वीजे जारी किए, बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनके पासपोर्ट भी अभी तक गाड़ियों के अंदर फिर रहे हैं, एम्बेसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। पीसीबी ऑफिशियल एम्बेसी के लोगों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उन मैसेज करते हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बार बार पीसीबी आईसीसी को भी सवाले से लिख रहे, लेकिन आईसीसी इज नॉट अ फोरम, आईसीसी का काम था सिर्फ एग्रीडेशन देने, वो उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एग्रीडेशन दे दिए हैं, जो टिकट्स ऑनलाइन फैंस की तरफ से ली गई हैं वो भी ऑनलाइन बुक हो चुकी हैं। अब तो ये मामला इंडियन हाई कमीशन और जो होम डिपार्टमेंट है दिल्ली में उनके दरमियान है, उनकी तरफ से जब तक क्लीयरेंस नहीं आएगी वीजे नहीं मिलेंगे। अभी क्लीयरेंस सेकेंड स्टेप है, अभी तक तो वीजा पॉलिसी नहीं आई जिसके तहत ये कहा जाए कि एम्बेसी पासपोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी और किस फॉर्म में करेगी। नरेंद्र मोदी साहब के दौर में नहीं गया, मेरे जितने चार टूर थे वो मोदी साहब से पहले। मोदी साहब का अपना एक एजेंडा चल रहा है, देखिए हमने पाकिस्तानी आवाम को भी नहीं अपनी सरजमीन पे कदम रखने दिया, हमने पाकिस्तान के मीडिया को भी नहीं आने दिया, तो पाकिस्तान टीम को भी नहीं बुलाते, उसके बगैर खेल लेते आप वर्ल्ड कप, पता चल जाता आपको। आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से पाकिस्तान टीम के बगैर नहीं खेलेंगे वो, ये आप ध्यान से निकाल दें, पाकिस्तान टीम सोने की चुड़िया है उसके लिए, इस वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया के माहौल के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से जितनी अर्निंग होगी इतनी दुनिया की किसी और टीम की वजह से वर्ल्ड कप में अर्निंग नहीं होगी, तो पाकिस्तान टीम को अलग कभी नहीं करेंगे, करेंगे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, इनको साइड में करेंगे लेकिन उनको अलग कभी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान टीम को बाबर आजम, देखिए ना हम जिस तरह के स्टेटमेंट, हमें भी थोड़ी सी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी चाहिए, इतनी गई गुजरी कौम बनाकर रख दें हमें, हम एक बड़ी प्राउड नेशन है, आप जो है वो हमारे क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। इंडिया को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और वीजे और टाइम पे देने चाहिए। उसकी वजह ये कि जब फैंस नहीं आएंगे इतने बड़े इवेंट में दुनिया भर से, तो फिर मजा क्रिकरा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान जैसे अगर हमारे मुल्क में ये वर्ल्ड कप होता तो बहुत से इंडियन फैंस आते हैं, जो पास में भी ऐसा हुआ और बहुत ज़्यादा खुश होकर गए। तो मेरे ख्याल से इंडिया को दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि खेल जो है ये बाउंड्रीज से जो ना कंट्रीज की बाउंड्रीज से बहुत आगे निकल गया है, और जिस तरह वर्ल्ड में क्रिकेट प्रमोट हो रही है और पॉपुलर हो रही है, एक आधा गेम के बाद ये मेरे ख्याल से अब तो दूसरी तीसरे नंबर पे आई चुकी है। तो मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा इजी करना चाहिए ताकि फैंस एंजॉय कर सके, और ख़ास पे जब इंडिया में या पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होते हैं या इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो लोग बहुत मज़ा करते हैं,
अगर मैं यहाँ की जो जो फैंस होते हैं उनकी मैं बात करूँ, फिर हॉस्पिटलिटीज़ की बात करूँ इंडिया पाकिस्तान की, तो ये बड़ा खास है। खास तौर पर जब जब बाहर से लोग आते हैं और मुख्तलिफ कल्चर्स इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैसेज आता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच खेलने जा रही है, लेकिन अभी तक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के साथियों को वीजे जारी नहीं किए हैं, और न सिर्फ वीजे जारी नहीं किए हैं बल्कि पासपोर्ट भी अभी तक हाई कमीशन ने नहीं लिए, और वीजा एप्लीकेशन भी हाई कमीशन पाकिस्तानी मीडिया की अभी तक वसूल नहीं कर रहा है। और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ इसी वीजे के लिए, और जब हाई कमीशन से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली से हमें जब तक क्लियरेंस नहीं आती है तब तक हम जो है वो आपका पासपोर्ट नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने आज सुबह पाकिस्तानी मीडिया को यह तसल्ली दी है कि आपकी जो क्लियरेंस है वो मोदी सरकार को मिल चुकी है और इस्लामाबाद हाई कमीशन को अहकाम जारी हो जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि कल जो पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच है वो पाकिस्तान का मीडिया मिस कर देगा, और इस बारे में अभी तक कोई वाजे इनकार या जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि किस वजह से पाकिस्तानी साथियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। हालांकि बाकी पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भारत पिछले एक हफ्ते से पहुंच चुका है। एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजा अभी तक नहीं मिले। वीजा क्या नहीं मिले, वीजा के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सकें और वीजा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहां पहुंचा है उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स, और अगर आपसे ये अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ।